एक बार फिर से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग प्रभु यीशु क्रिस्त में। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी जितने लोग भी अभी तक यहाँ उपस्थित है, हम सभी प्रभु पर बहुत प्रभु के लिए बहुत आनंदित है, क्योंकि हम लोग सुबह उठकर यहाँ परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आए हैं, राइट। और मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे, जिससे मुझको ऐसा ना लगे कि मैं बस अकेले बैठती हूँ प्रभु के साथ, है ना। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने वीडियो को ऑन कर लें। थैंक यू रंजना। ओके, आइए हम लोग अभी वर्शिप में जाएंगे। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि समय में प्लीज सभी जहाँ कहीं भी हैं, हो सकता है कि कई लोग काम भी कर रहे होंगे, बट अपना मन हम लोग अभी प्रभु की ओर लगाएंगे। और सभी से कहती हूँ कि प्लीज प्रभु की संगति करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रभु जी, यह कैसा सुंदर अनोखा समय है प्रभु जी, कि हम सभी लोग इस समय प्रभु सिर्फ आपके नाम पर यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर, प्रभु आप आज हमारे मध्य इसलिए हैं प्रभु, क्योंकि आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हम जितने भी आपके बच्चे प्रभु, हम अपने से नहीं आए हैं पिता, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें से हर एक लोगों को तूने नाम ले लेकर बुलाया है प्रभु, जिसकी वजह से पिता आज हम सिर्फ आपको प्रभु जी सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। आइए, जब हम लोग सैमुअल के ग्रंथ में अध्याय 3 को जब आप रीड करते हैं, तब आप सैमुअल के जीवन से देख पाते हैं कि वह समय जब वह एली के अंडर पर रहकर काम कर रहा था, तब हम लोग देखते हैं कि उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई देती थी और प्रभु के दर्शन भी दुर्लभ थे। लेकिन जब परमेश्वर सामुएल को 3 बार पुकारता है, जब वो अपने नींद में था, जब वो अपने निंद्रा अवस्था में था, तब परमेश्वर उसे पुकारता है। लेकिन जब 3री बार हम लोग देखते हैं कि जब उसे वो पुकारा, तो सामुएल उठकर एली के पास गया और बोला, मैं प्रस्तुत हूँ। पर एली जानता था कि परमेश्वर उस युवक को पुकार रहा है, और वो कहता है कि सामुएल, अब तू जा और सो जा, लेकिन जब तुझे फिर से वो आवाज सुनाई दे, तो तू कहना कि प्रभु बोल, अब तू तेरा सेवक सुन रहा है। आमीन। आज हमें से भी हर एक लोग इस समय सिर्फ प्रभु को सुनने के लिए आए हैं। हम सभी को भी प्रभु ने आवाज दी है, जिसकी वजह से सुंदर सुबह में हम सिर्फ आज प्रभु को सुनने आए। आज यह समय हमारा है। जैसा प्रभु ने सामुएल को कहा, आज वैसा बात आज परमेश्वर हमसे कहता है, और आज ये हमारी तैयारी होनी चाहिए इस समय में। आइए हम सभी कहें कि प्रभु अब तू बोल, तेरा दास सुन रहा है। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ। यहोवा सुनता तेरे अदास वाणी सुना दी, बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। सचमुच परमेश्वर पिता, हम इस समय
प्रभु जी हम चाहते हैं पिता कि हम सिर्फ आपको सुने, हम चाहे कैसी भी अवस्था में है प्रभु, लेकिन हमारा मन, हमारा यह हृदय प्रभु जी, ये आत्मा पिता जो आपका दिया हुआ है प्रभु, हम सभी इस समय अपने आप को पिता परमेश्वर आपको सरेंडर करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर पिता अपने कानों को पिता परमेश्वर हम आपके लिए ओपन करते हैं, क्योंकि पिता तेरा वचन भी कहता है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर हम सभी बच्चे प्रभु आपको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं पिता परमेश्वर, और हम कहते हैं खुदावन राजा कि अब तू बोल प्यारे प्रभु जी और हम तुझे सुने। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की तेरे आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे आवाज को पहचानने पाए प्रभु। आज इस दास के द्वारा पिता आप हम सभी लोगों से बातचीत करने वाले हैं प्रभु, हम तैयार है प्यारे प्रभु, तेरे सेवक प्यारे प्रभु जी तैयार है सिर्फ तुझे सुनने के लिए प्यारे प्रभु जी। आइए अपने मनों को तैयार कीजिए कि जब आज प्रभु हमारे बीच अपने वाणी को रखने वाला है तो हम उसे यस कहें कि हाँ प्रभु आज मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, तेरा दास तेरा सेवक प्यारे प्रभु जी सिर्फ तुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप में गिरता हूँ, बोलता हूँ सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। सम्मन में कहे बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू मुझको सुना दे। सचमुच परमेश्वर पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने उस सामुएल को पुकारा था प्रभु और वह आपके लिए अपने कानों को खोला था पिता, इस समय भी आपके चरणों पर प्रभु जी हम सभी अपने आप को देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु किस समय तू बोले पिता और हम सुने। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी आज जिस दास को परमेश्वर पिता आपने इस समय हमारे लिए प्रभु जी रखा है पिता, हम इसने सर को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि जब आप उनके माध्यम से प्रभु जी हम सभी बच्चों से बातचीत करने वाले हैं पिता, हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि उनके मुखों को कंठों को परमेश्वर पिता आप छू लीजिए, आप अनॉइंट करिए परमेश्वर पिता, आप उसे यूज कर आप अपने अपने सारे वचनों को परमेश्वर पिता उनके मन और उनके हृदय में रख दे प्रभु, कि अब जब वह भैया हमारे बीच बोले प्यारे प्रभु जी तो उनके सारे शब्द परमेश्वर पिता आपकी ओर से होने पाए। चाहते हैं परमेश्वर पिता इस पूरे समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सरेंडर करना चाहते हैं प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु कि यह मीटिंग परमेश्वर पिता आपके द्वारा संचालित होने पाए पिता, जिस वचन को तू आज हमारे बीच बोने वाला है प्रभु उसे हम पूरे मन और हृदय से परमेश्वर पिता हम ग्रहण करने पाए। सारी आदर महिमा प्रभु जी तुझे देते हैं क्योंकि तू इस योग्य है पिता, और यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं इस समय हमारे बीच में इसने सर जी को इनवाइट करती हूँ। वेलकम भैया। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, चलिए ठीक है, मेरी आवाज आएगी तो सभी ध्यान देंगे। और
मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ कि अब सुबह सुबह हर कोई जगह उसके बाद में अपनी मानसिक स्थिति में है कि नहीं, है ना। तो आपके पास जो है एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आपके नजदीक में जो भी चीज होगा, चाहे पेन, कंघी, मोबाइल, कुछ भी हो, सबसे पहले तो आप जितने लोग हैं सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, तभी ये मजा आएगा ना। ये चीज करेंगे हम लोग, इससे हम लोग कुछ चीज सीखेंगे इस प्रयोग से। जितने लोग हैं सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे, और जो भी आपके नजदीक में है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो, आप उसे इस तरह हाथ में पकड़ लें। मैं देख रहा हूं अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है। हाँ, धन्यवाद साक्षी बहन, प्रियंका। ऐसा नहीं कि मतलब चेहरा ढक जाए, ऐसा वाला नहीं ऐसा छोटा सा। चलिए, बहुतों ने पकड़ लिया है। हाँ, धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, देखते हैं। सभी ने पकड़ लिया ना। अब इसे जो है अपने चेहरे से एक फीट दूरी पे रखेंगे, है ना। एक फीट दूरी पे रखिए सभी। अब लगातार कंटिन्यू उसे देखिए, कंटिन्यू उसे देखना है, जो जो कंटेंट आपने पकड़ा है उसे, और देखते हुए उससे पलके नहीं झपकनी चाहिए आप लोगों की, और उसे आपके चेहरे के बिल्कुल नजदीक लाके सटाइए, यहाँ पर बिल्कुल माथे के बीच, और नजरें आपकी नहीं हटनी चाहिए, पलकें नहीं झुकनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं दावा करता हूं कि इस प्रयोग से आपके आंखों में एक बहुत सा एक दबाव सा महसूस हुआ होगा, है ना। महसूस हुआ ना, किसको किसको महसूस हुआ, हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, लगभग लगभग सभी को महसूस हुआ है। तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब हम अपनी चिंताओं, परेशानियों और संघर्ष को हम अपने जीवन के करीब अपने साथ में जब लेकर घूमते हैं, उसे हम उसे दिनचर्या में जीने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऐसे ही दबाव महसूस करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हम इससे निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये हमें दबाते हैं। जिस तरह हमने एक प्रयोग को किया और हमने एक आंखों में एक दबाव को महसूस किया, वैसे ही हमारा जीवन जो है हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सभी चीजों के प्रति आप लापरवाह हो जाएं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वचन कहता है फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, जो भी इस वीडियो को इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ा है, वो सभी ध्यान रखेंगे कि आप जब ऐसा तनाव महसूस करते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, तो आप अपने मसीही दोस्तों के साथ, मसीही संगति के साथ, आप जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें। आप अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम को बिताएं, ताकि ये जो स्ट्रेस है वो सारी चीजें कम हो जाए। आप अपनी बातों को उनसे शेयर करें, है ना, तो ये सारी चीजें जो है कम हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, परमेश्वर की तरफ हमारा जो फोकस रहेगा वो परमेश्वर की ओर रहेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान दे पाएंगे, और हमारा जीवन जो है बहुत ही बेहतर होगा। तो इस छोटे से प्रयोग के सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो आज के सेशन में आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं चाहूंगा यर्मिया उसका 13 अध्याय निकाल लेंगे, अगर बाइबिल है तो, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज के विषय में मैंने क्यों चुना है ना, आज का विषय जो है बहुत ही अति आवश्यक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और परमेश्वर के लोगों के लिए, है ना। तो इस बात को हम लोग सीखेंगे कि हम अपने जरिए, हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और आज हम इन वचनों को मनन करेंगे, है ना। यर्मिया 13:17 में लिखा हुआ है, पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हें गर्व के कारण रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधवा कर ली गई। ये बात एक ऐसे नबी की है
जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता, परमेश्वर की बातों को सुनता और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता और उनके लोगों को परमेश्वर की तरफ फिराने के लिए कोशिश करता रहा, जो परमेश्वर जो बातें कहता था उन बातों को वहां तक पहुंचाता था ताकि लोग बचाए जाएं। ये यर्मिया नबी की बात मैं कह रहा हूं और यर्मिया नबी के जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए उस तरह का काम करें जो यर्मिया नबी कर रहा था उस समय। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस समय जब यर्मिया नबी प्रचार कर रहा था उस समय यहूदा जो है बंधुआई में जाने वाला था और बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने जो है उन सभी क्षेत्रों को जो है बलपूर्वक जो है उसने तहस नहस कर दिया था। इन सभी भविष्यवाणियों को उसने देखा था, ठीक है। तो ये ऐसा नबी है जो भविष्यवाणियों को देखने वाला नबी था। तो यहाँ पर ये बातें क्यों लिखी हुई है कि मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, ठीक है। यर्मिया नबी एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति था और परमेश्वर के लोगों से वो बहुत प्यार करता था। उनके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को वो जो है बदभाई में या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं देख सकता था। कहना चाहिए कि उस समय उसे कहा जाता था एक विलाप करने वाला एक नबी कहा जाता था, जो कि वह ऐसा नहीं था। वह लोगों के बीच में नहीं रोता था या फिर किसी सभा में नहीं रोता था, लेकिन वह अकेले में रोता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते थे। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कितने दुख की बात है कि आज बहुत से ऐसे भाई बहन आपके कुटुंब में, हमारे कुटुंब में या फिर हमारे जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहां हर एक कोना कहीं ना कहीं एक अंधेरा छाया हुआ है। सच में आज जरूरत है उस कोने में परमेश्वर के प्रकाश को डालने की आवश्यकता है ताकि हमारा पूरा परिवार जो है बचाया जाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार सुखी और संपन्न हो, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चले? हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ना हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई कलह ना हो। आप सब चाहते हैं, परमेश्वर भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे जो है, मेरे लोग जो है बचाए जाएं। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आज खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में, परमेश्वर के वचनों को बोलने वाले बनना पड़ेगा आपको। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजकल ऐसे प्रचारकों के बहुत ही आवश्यकता है या फिर ऐसे बोलने वालों को की आवश्यकता है जो परमेश्वर के वचन को दृढ़ता और विश्वास पूर्वक जो है खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बताते हैं। सच में आज बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर इस पेंडेमिक के समय में चर्चेस बंद रहे और कोई पास्टर या कोई प्रचारक वहां काम करने नहीं गया। सच में आज हमें ऐसे प्रचारकों की और ऐसे नौजवानों की जैसे आप हैं आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचनों को दृढ़ता पूर्वक जो है लोगों के पास पहुंचाएं। अगर लोगों के पास नहीं पहुंचा सकते तो एटलीस्ट हम अपने घर में उसे बता पाए कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीवन कैसे जिया जाता है, है ना। उस समय ये बात हो रही थी कि यर्मिया नबी जो है अपने लोगों को परमेश्वर के निकट लाना चाहता था, लेकिन वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहते, जैसे आज की परिस्थिति है। लोगों को 8 बजे लाने के लिए जो है कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये HWC वॉरियर्स के जितने भी लीडर्स हैं या फिर जितने भी भाई या बहन हैं उनको पता है। लोग जो है अपने मन से नहीं आना चाहते, लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों को उठाना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बात करना पड़ता है। आज ऐसी हृदय की स्थिति नहीं है कि लोग स्वयं से जागरूक होकर जो है परमेश्वर के करीब आए। क्यों? क्यों का जवाब मैं आगे दूंगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यर्मिया नबी रोने की बात कहता है। जैसे मैंने बताया, यर्मिया नबी जो है वह ऐसा व्यक्ति नहीं था कि लोगों के भीड़ में रोता था, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर जरूर रोता था। पिछले सप्ताह में प्रियंका बहन ने एक सवाल
पूछा था, आप लोगों ने उस सवाल को ध्यान दिया कि नहीं, कि यीशु रोया, यीशु रोया था। यरूशलेम के लोगों ने जब अपना मन नहीं फिराया था तब यीशु रोया था। लाजर की कब्र के बाहर यीशु रोया था। क्यों? अपने लोगों को, लोगों के मनों को देखकर रोया था यीशु। यीशु भी रोता था, लेकिन पब्लिकली नहीं रोता था, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर वो रोता था। क्यों? क्योंकि उसको अपने लोगों की चिंता थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वो चिंता करने वाले बन सकते हैं, आप वो प्रचारक या वो वक्ता बन सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए, जिनकी, जिनका जीवन जो है आज दूसरे वे पे जा रहा है। आप उन्हें ला सकते हैं, जैसे कोशिश यर्मियाह ने किया था। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिसके परिवार में जब कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है और उस परिवार के व्यक्ति के सदस्य जो उस परिवार से जुड़ा रहता है, उस परिवार के व्यक्ति के हृदय में रोने का एहसास तभी आपको पता लगेगा जब आप उसे देखेंगे। जिस परिवार में यह घटना घटती है वही व्यक्ति समझ सकता है कि रोने का मतलब, और जिसके परिवार में घटना नहीं घटती है वो व्यक्ति नहीं समझ सकता, कि उस दुख को नहीं समझ सकता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम और आप एक ही परिवार के लोग हैं, और जितने भी लोग भटके हुए हैं, जितने भी लोग आज ऐसे हैं जो मसीह के साथ चलना आरंभ तो किया था लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रास्ता जो है डाइवर्ट कर लिया है, अपना रास्ता जो है संसारिकता के चीजों में लगा लिया है। चाहे आपके परिवार के लोग हैं, चाहे SWC के परिवार के लोग, चाहे आपके सगे संबंधी लोग हैं, आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे कि लोगों ने अपना रास्ता बदला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वचनों से आज हमें परमेश्वर के साथ एक बोझ के साथ उस चीज को रखने की आवश्यकता है कि हमारे लोगों के मध्य में हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। पुराने जितने भी नबी होते थे, वो बड़ी बोझ के साथ आते थे, बिना किसी मतलब किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता था, है ना। हम लोग कई लोगों को देखते थे कि कई लोगों ने कई कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, कईयों के कपड़े फटे होते थे, कईयों को कई चीजों का क्रिटिसिज्म सहना पड़ता था। यहाँ यर्मिया की दशा भी ऐसी थी, लोगों को, लोग उसे मजाक उड़ाते थे, लोग उसका उपहास करते थे और परमेश्वर की बातों को जो है नहीं मानते थे। हो सकता है आपके परिवार में कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज परमेश्वर के वचन को शुरुआत करने की आवश्यकता है, स्टार्टअप देने की आवश्यकता है। वो स्टार्टअप मैं और आप दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तैयार हो जाइए आप परमेश्वर का प्रवक्ता बनने के लिए, परमेश्वर के वचन को थाम कर प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को शेयरिंग करने के लिए। आज उन्हीं चीजों पर मैं बात करने वाला हूं जो बहुत ही आवश्यक है, और इससे आवश्यक मुझे नहीं लगता कि और कुछ है, कि हम लोगों को समेटें, हम अपने परिवार को समेटें, अपने कुटुंब को समेटें, हम अपने सगे संबंधियों को समेटें, है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पर रोने की बात, जब यर्मिया नबी जब अपने लोगों को देखता था तो जब परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनकर वो लोग अननेसेसरी कामों में लगते थे, है ना, परमेश्वर के पास जाकर रोता था, यीशु भी रोता था जैसे मैंने बताया, है ना। तो हम लोग आज के उन बातों को सीखेंगे जो एक प्रवक्ता में होनी चाहिए, और तो उन बातों को आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग यर्मिया नबी की किताब 15 अध्याय उसके 16 पद से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। एक प्रवक्ता में जो बात होनी चाहिए वो पहली बात यहाँ पर यर्मिया नबी कह रहा है कि जब परमेश्वर का वचन यर्मिया नबी के पास पहुंचा तो वह उसे खा लिया, मानो वह खा लिया, और उसके कारण जो है वो आनंदित था। सच में आज आपको और मुझे ये आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर के वचनों को ऐसे ही खाएं, है ना, जिस तरह
एक धन कमाने वाले व्यक्ति को धन अर्जित करने में कितना मजा आता होगा और उसका आनंद वही समझ सकता है। आज ऐसे प्रचारकों और आज ऐसे बाइबिल के वक्ताओं की बहुत ही आवश्यकता है, आवश्यक है, जो उसकी गहराई को खोज करें। मेरे कहने का ये मतलब है कि बाइबिल की जो गहराई है, वचनों की जो गहराई है, उन चीजों को खोज कर परोसने की आवश्यकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप और मैं कर सकते हैं, है ना, कि हम परमेश्वर की वचनों की गहराई को जो है हम खोज कर जो जो खुशी की अनुभव होती है, जो परमेश्वर की जो वचनों में जो खुशी होती है, उस खुशी को हम आज अपने परिवार में, आज अपने लोगों में देने की आवश्यकता है। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से ऐसे वचनों कभी कभी मैं सुनता हूं कि लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना। यह किस विषय में लिखा हुआ है हम जानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मांगने को कहा है तो तुम कुछ भी मांग लो मिलेगा, है ना, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वहां पवित्र आत्मा की बात कही गई है। ठीक है, यर्मिया ने जो है यहूदा के दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 40 साल तक प्रचार किया। 40 साल तक प्रचार करने के बावजूद लोग वहां की परिस्थितियों को अगर आकलन करें तो उस परिस्थिति में नहीं थे। एक व्यक्ति को 40 साल परमेश्वर के लिए प्रचार करना बहुत ही मायने रखता है। अब ये चीज आप भली भांति समझ सकते हैं, हो सकता है आपकी बात कोई ना सुने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों को दृढ़ता से थामे रहें, परमेश्वर के वचनों को विश्वास पूर्वक और ऊर्जा पूर्वक जो है परमेश्वर के वचनों को अपने लोगों को और परमेश्वर के लोगों के पास आज पहुंचाने और शेयर करने की आवश्यकता है। ये क्षमता आप में परमेश्वर ने कूट कूट कर भरी हुई है, बशर्ते आप उस क्षमता का उपयोग करें ताकि परमेश्वर का राज्य जल्द से जल्द इस दुनिया पर आए और लोग परमेश्वर के जो हैं वो बचाए जाएं। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम लोग सीखेंगे पद सत्रह पर लिखा हुआ है, तेरी छाया मुझ पर हुई है, मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था, है ना। यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले 17 पद के पहले पैराग्राफ में, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। जब यहूदा के लोग रंग रलियां और मौज मस्ती के लिए निकलते थे, यर्मिया निकलता था परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। आज हमारे पास हम फिजिकल तौर पे लोगों को नहीं देखते हैं या फिर हम उस सभाओं में नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं और उन रंग रलियों में खो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब और इशारे का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। वो कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से आप संसारिकता में जो है जा सकते हैं या हम संसारिकता में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को संसारिकता के अकॉर्डिंग अनुशासित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने जीवन को अनुशासित करें कि हम परमेश्वर के करीब रहें और परमेश्वर जो बोलता है, जो कहता है, उन बातों को हम बता पाए, उन बातों को शेयर कर पाए, ना कि हम पढ़ी पढ़ाई या फिर किसी वीडियो को देखकर या फिर कहीं से सुनकर उन बातों को शेयर करें, है ना। वो सचमुच में आप पर आज परमेश्वर का प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आज जरूरत है। आज सचमुच में आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो जरूरत है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास उस भोज के साथ बैठने की और परमेश्वर से मांगने की कि हमें वो ज्ञान और वो समझ जो उसके वचनों में है वो हमें प्रदान करे कि हम अपने लोगों को या फिर परमेश्वर के राज्य को जल्द से जल्द उसके चरणों में समर्पित करें, उसके पास लेकर आए। ये जरूरत महसूस वही कर सकता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग आप जुड़े हो,
मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। तो आइए हम लोग इन सारी चीजों को जो परमेश्वर आज सिखाना चाहता है, आपसे आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको जो समझाना चाहता है, उन बातों को समझकर हम अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए वो चीज, उन चीजों को तैयार करें जो परमेश्वर देने को है। ठीक है, उन वचनों को ग्रहण करने की कोशिश करें, उन वचनों की गहराई पे जाएं, ताकि उन वचनों की जो खुशी होती है, जैसे यर्मिया नबी को महसूस हुई थी, वो खुशी जो है हम दूसरों तक पहुंचाएं, है ना। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर यर्मिया नबी जो है जो मन बहलाने वालों के साथ जो है नहीं जाता था, वो समाज से, लोग क्या सोचते थे होंगे कि यह बहुत ही कटा कटा व्यक्ति, समाज के साथ मिलता नहीं है, है ना, ऐसी ही बात चलती थी होगी। लेकिन उसकी जरूरत, उसने अपनी जरूरत नहीं समझी, उसने परमेश्वर की जरूरत समझी। आज आपको और मुझे उस जरूरत को समझना है कि परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। जब आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर ने इस मुकाम पर खड़ा किया है कि लोगों को आप सिखाएं, लोगों को आप बताएं, आप अपने परिवार के साथ उस वचनों को शेयर करें, परमेश्वर को आवश्यकता है कि लोग बचाए जाए, है ना, यही ना। तो हम देखते हैं कि उस अकॉर्डिंग जो है परमेश्वर परमेश्वर की संसारिकता के अकॉर्डिंग अपने जीवन को हम अनुशासित करके हम परमेश्वर का प्रवक्ता बन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाला बन सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है आज आपके लिए और मेरे लिए कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करें, लोगों के जीवन को बचाएं। और तीसरी बात 18 पद में लिखा हुआ है कि मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाली जल के समान होगा। देखिए, यहाँ एक यर्मिया नबी लोगों के प्रताड़ना के कारण और उन चीजों को देखकर जो हताशा के कारण परमेश्वर से एक अविश्वास भरी बातों को कहता है, जो अक्सर हम जो है ना अपने जीवन में करते हैं कि प्रभु ये चीज नहीं हो रहा है, प्रभु वो चीज नहीं हो रहा, क्या प्रभु तूने छोड़ दिया, बहुत सारे जो अविश्वास भरे जो थॉट्स हैं हमारे दिमाग में जो है वो घर कर जाती है, और हम इस तरह का सवाल हम लोग जो है पूछ बैठते हैं परमेश्वर से, जो कि बिल्कुल सरासर जो है गलत है। और इस अविश्वास भरे शब्द के कारण परमेश्वर ने यर्मिया नबी को थोड़ा सा हटके जवाब दिया। वो जवाब था 19वें पद पे, यहां पर जवाब क्या था देखिए, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे तब तू मेरे मुख के समान होगा, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस अविश्वास भरे इस शब्द के कारण परमेश्वर ने यर्मिया को फटकार लगाई और उसे कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं धोखा देने वाला नहीं हूं, हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, परमेश्वर सूखी हुई जलधारा नहीं है, आपका परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, आपके लिए वह सूखी हुई जलधारा नहीं है, वह निरंतर बहने वाली जलधारा है। इन वचनों के माध्यम से मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इस तरह का सवाल करें। परमेश्वर यहां पर कहता है यर्मिया नबी को कि यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, यदि हम अविश्वास भरे थॉट्स को परमेश्वर के सामने प्रकट ना करें, या फिर इस तरह की बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं परमेश्वर के सामने ना रखें, या फिर हमें जो परमेश्वर ने कहने के लिए सिखाया था अनमोल अर्थात अच्छी बातों को, या फिर अच्छी चीजों को जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग हो, उन बातों को हम कह सकते हैं, ठीक है, उन अविश्वास भरे बातों को वह जो है नहीं करने के लिए कहता है, जो अक्सर आज आप और मैं कहते हैं, ठीक है, उन अविश्वास भरे बातों को आज परमेश्वर के पास हम बिल्कुल ना लेके जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर आगे देखिए कि तू मेरे मुख के समान होगा। सचमुच मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं, परमेश्वर जो लोगों को कहना चाहता है, ठीक है, जब आप इस
अविश्वास भरे शब्दों से या फिर जैसे एक दो तीन जो पॉइंट मैंने बताया उन पॉइंट से अगर आप उन पॉइंट को आप अपने जीवन में नियमित तौर पर फॉलो करते हैं और उन पॉइंट्स पर आप अड़िग रहते हैं तो परमेश्वर सच में आज आप जहां कहीं खड़े होंगे परमेश्वर आपको अपना मुख बनाएगा। सच में आज किसी के शेयरिंग को देखकर या फिर किसी की वीडियो को देखकर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको आपके परिवार में, आपके लोगों में, परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर आपको अपना मुख बनाएगा। ये यिर्मयाह नबी से कहता है, ये आज आज का वचन जो है आप हम सबके लिए है, हम सबके लिए है कि हम परमेश्वर का मुख बने और परमेश्वर जो कहना चाहता है हम लोगों के पास वो चीज पहुंचाए। सच में आज आप हमें जो है ना रिपेंट होने की आवश्यकता है, हमें जो है परमेश्वर के पास एक बोझ के साथ जाने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम जो है कर पाए कि परमेश्वर का राज्य वापस आए, है ना। यहाँ पर आगे लिखा है वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। लेकिन एक यहाँ पर एक बात परमेश्वर कहता है कि लोग तेरी ओर फिरे लेकिन तू उनकी ओर ना फिरना, अर्थात संसारिकता में वापस मत जाना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके पास बहाने कई हो सकते हैं परमेश्वर की संगति में जुड़ने के लिए, ठीक है, या फिर नहीं जुड़ने के लिए। ये एक संसारिकता का एक पार्ट हो सकता है, आप उसे समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है। सच में आज वचनों को बहुत ही अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि वास्तव में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है, कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है आपके माध्यम से, हो सकता है आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकता है आप अच्छे भविष्यवक्ता हो सकता है आप अच्छे प्रार्थना करने वाले हो। आज सच में आज 100% आपकी आवश्यकता आज लोग महसूस कर रहे हैं, कलीसिया महसूस कर रही है, परिवार महसूस कर रहा है। सच में इन बातों को आज देखने, सीखने और समझने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का मुख बने। मैं एक बात को बताना चाहता हूं, ध्यान देंगे, मैं एक छोटी सी बात को बताकर अंत करना चाहता हूं। जब इसहाक, मेरी आवाज आ रही है ना, जी सर, एक बार मेरी एक छोटी सी बात को बताकर मैं अंत करना चाहता हूं। जब इसहाक और रिबिका का जो विवाह है उसके विवाह के बारे में छोटी सी बात बताकर मैं अंत करूंगा। जब अब्राहम ने इसहाक को शादी करने की सोची तो एक लड़की की जरूरत महसूस हुई और अपने दास को कहां भेजा, मेसोपोटामिया भेजा लड़की ढूंढने के लिए उनके रिलेटिव में, है ना। तब हम लोग यहाँ देखते हैं सारी बातें हो गई, वो लड़की रिबिका थी, ठीक है। तब सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि उसका विवाह, सबने पढ़ा होगा तो सब जानते होंगे उसका विवाह कैसे हुआ और वह किस रीति से सारा प्रोसेस करके वो जो है अब्राहम के दास के साथ आई, ठीक है। मेसोपोटामिया की जो दूरी थी कनान से वो लगभग 700 किलोमीटर थी, लगभग एक महीने का समय है ना, एक महीने का समय। उस एक महीने के समय में सोचिए रिबिका ने अब्राहम के दास से क्या बात करी होगी। रिबिका ने अपने अब्राहम के दास से अपने होने वाले पति के बारे में बात की होगी कि उसका कलर कैसा है, वो बात करता कैसा है, उसका कद कितना है, उसके रंग रूप के बारे में, उसके सारे चाल चलन के बारे में उसने बातचीत की होगी। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा सफर एक दुल्हन के रूप में मसीह के लिए आज संसार में यही है जो हमारा सफर है। आज पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है, ना कि किसी धर्म के बारे में, ना कि किसी स्वर्ग के स्थान के बारे में, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता है। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मध्य में ऐसा सहायक है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता है। और आप परमेश्वर की दुल्हन होने के नाते आप अपने दूल्हे के बारे में बातचीत कर सकते हैं, इसलिए आप घुटनों पर जाएं और अपने उस स्वामी के बारे में जिसे आप एक दिन फिजिकल रूप में देखेंगे उसके बारे में बातचीत करें,
उसकी बातों को शेयर करने की कोशिश करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके जीवन से और मेरे जीवन से यही चाहता है। तो इस छोटी बताई वचन पर आप सबको आशीष मिले और मैं अब्राहम सर को आगे का। यदि किसी प्रकार की सूचना हो तो बता देंगे। ओके धन्यवाद करते हैं स्नेह सर जी को, बहुत सुंदर शेयरिंग उनका आज रहा। और मुझको लगता है कि हम में से हर एक लोग अपने जीवन में कई सारे टैलेंट को लेकर जीते हैं, और मैं इस चीज को अपने पर्सनल चीजों को मैं अनुभव कर पा रही थी कि अगर हम लोगों को गिटार नहीं बजाना आता है तो हम गिटार क्लास ज्वाइन करते हैं, है ना। जब हमको पढ़ना नहीं आता, मैथ्स किसी का कमजोर है तो हम एक टीचर के पास जाते हैं कि हमारा मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा मजबूत बनने पाए। पर जब आज का मैसेज सुन रही थी तो मुझको लगता है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गूंगा है ना। और परमेश्वर का जब चॉइस है, परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम प्रभु के लिए वक्ता बने, और मेरे को नहीं लगता कि कोई गूंगा होगा कि हम प्रभु के बारे में बोल नहीं सकते, है ना। और किसी चीजों में यदि कोई सोचता है कि जैसे मूसा कहता था कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, पर परमेश्वर जो कम है उन्हीं लोगों को परमेश्वर चूज करता है। और मुझको लगता है कि हम में से हर एक लोग बोलने में सक्षम है, बोल सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई बंदा गूंगा नहीं है। और जब परमेश्वर ने अपनी सुंदर योजना के लिए हम सभी लोगों को आज के मैसेज के द्वारा जो बातों को सिखाया, चाहे वो अपने दोस्त हो, चाहे अपना परिवार हो, अपने SW मिनिस्ट्री के कई सारे ऐसे युवा हैं, हम हर एक लोगों के पास हम लोग परमेश्वर के वचन को जरूर फैलाएं। और मैं पर्सनली मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर आपको कि आप बहुत सुंदर शेयरिंग हमारे मध्य रखा है। और बिल्कुल हम जहाँ कहीं पे भी जिन संसारिकता की चीजों में हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों में अव्वल हो, पर हम कई दफे हम परमेश्वर के वचन को बताने के लिए हम उस पर प्रयास नहीं कर पाते जितना हम संसारिकता की चीजों में हम तैयारियों में रहते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पुनः फिर से हम सभी के लिए कि हमको ऐसा वचन से आपने हमको प्रेरित किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं मुझको जो फील हुआ वो बाकी बहनों को भी और भाइयों को अवश्य फील हुआ होगा। और आइए हम लोग छोटा सा अंतिम प्रार्थना के साथ इस फेलोशिप को अंत करेंगे। सचमुच परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर पिता। और भले हमारे जीवन कैसा भी था शायद अब तक, पर पिता हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आज जब हमने आपकी वाणी को सुना पिता, आपके दास के माध्यम से जिन बातों को, जिस लेसन्स को परमेश्वर पिता आज आपने हमारे हृदय में रख छोड़ा है प्यारे प्रभु जी, हम आपको आभारी है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जितने लोग भी यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, हम सभी को जो तूने सिखाया है, जिस संदेश को तूने हमारे लिए प्रदान किया है प्रभु, हम उसे अपने जीवन में पिता परमेश्वर इम्प्लीमेंट करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इसलिए सर जी के जीवन के लिए प्रभु जी, के जिस बातों के द्वारा आप हर एक लोगों से उनको बात करने में आप उसे उपयोग करते हैं पिता, आने वाले समय में भी आप उन्हें दुगनी आशीषों से आप उन्हें भर। जब वो किसी लोगों के मध्य में जाते हैं, चाहे वो उसका परिवार हो पिता, चाहे वो किसी ऐसे युवाओं के बीच में होते हैं या कहीं वो अपने संगे संबंधियों के बीच में होते हैं प्रभु जी, आप उन्हें हमेशा इसी प्रकार से यूज कर जिस प्रकार आपने आज हमारे मध्य होकर आपने उनको हमसे बातचीत कराया पिता, कि आपकी बातों को सुन पाए। और प्रभु जी सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हैं कि ऐसा समय को तूने हमें दिया प्रभु, कि हम तेरे वचन से आज प्रभु जी बहुत आनंदित है पिता। और हम पूरे तरीके से पिता आपसे दुआ करते हैं कि आप हमेशा हमारे जीवन में पिता आप हमें लीड कर, हमें संचालित कर प्रभु, कि तेरा वचन प्रभु जी हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। और सिर्फ इस वजह से पिता आपकी महिमा को हम सभी भाई बहन आपको देने पाए पिता, यही प्रार्थना प्रभु जी हम आपके हाथों
हाथों में समर्पित करते धन्यवाद के साथ उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। तो सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब हम लोग यहाँ से सब एक दूसरे को अंतिम विदा ले सकते हैं, और सबसे अनुरोध है, क्योंकि हम लोग अधिकतर ऐसा होता है ना जीवन में कि हम जब इंस्टाग्राम चलाते हैं या कुछ करते हैं तो हम वहां बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि कोई कौन कैसा दिख रहा है, किसका ड्रेस कैसा है। तो जब यहाँ प्रभु की जो सबसे उत्तम और भली बात है मुझको लगता है, तो जब कोई दास परमेश्वर के लिए यहाँ आकर प्रभु की वचन को शेयर करते हैं, तो प्लीज जरूर आप लोग जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक आप यूज करते हैं, तो जब जैसे आप लोगों को वहां एंकरेज करते हैं, वैसे हमारे दास और दासी, हमारे भाई बहनों को भी एंकरेज करिए, ताकि हम इन चीजों में और आगे बढ़ने पाए। तो प्लीज उस ग्रुप में मेरे को लगता है सभी लोग ऐड है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें। और प्रेज द लॉर्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड सबको, बाय।